लखीमपुर खीरी थाना मितौली पुलिस के साथी वाहन चोर गैंग हत्या चढ़ा। दबोचे गए तीन वाहन चोर में दो सीतापुर जिले के व एक खीरी जिले का है। ज्ञात हो कि जिले में आए दिन वाहन चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। चोरी किए हुए वाहन को साथी चोर जिले से सटे देश नेपाल में ले जाकर बेच देते हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस द्वारा पकड़े गए अभियुक्तों में साहने आलम उर्फ मोनू पुत्र छोटे निवासी बसई थाना इमलिया सुल्तानपुर जिला सीतापुर व आशुक पुत्र महबूब निवासी सिकंदरपुर थाना हरगांव जिला सीतापुर व पंकज शर्मा पुत्र राम विलास निवासी मुंडा दीक्षित थाना गांव नीम गांव जिला खीरी के हैं, जिनके पास चोरी की दो मोटरसाइकिलें व दो मोटरसाइकिलों के इंजन एवं मोटरसाइकिल के पार्ट्स भी बरामद हुए हैं। अभियुक्त को उक्त सामान के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि ये गिरोह चोरी की हुई मोटरसाइकिल को नेपाल ले जा रहे थे। उससे पहले मितौली पुलिस को सूचना मिली और इस गिरोह के तीन सदस्य को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी साथी वाहन चोर हैं। हमारे यहाँ एक अप्रैल 2018 को एक बाइक सरस्वती विद्या मंदिर कस्ता से चोरी हुई थी। उसी पता राशि सुराग रसी कर रहे थे तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि साथी चोर कुछ मोटरसाइकिलों के पार्ट्स लेकर के एक चोरी की बाइक से नेपाल बेचने जा रहे हैं, जिसकी सूचना पर घेराबंदी करके कस्ता से आगे के बदला रोड पर करीब 200 मीटर आगे इनको घेर करके पकड़ा तीनों को। इनके पास से दो बाइकें और दो बाइकों के इंजन तथा अन्य मोटरसाइकिलों के पार्ट्स बरामद हुए। जो इसमें से एक मिस्त्री है, इसका नाम पंकज शर्मा है, वो बाइकों के को खोल करके उसके पार्ट्स की सप्लाई किया करता है, अलग अलग बाइकों में लगा दिया करता है। ये इनका धंधा है। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? तीन आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें दो सीतापुर के हैं, एक ग्राम बूढ़ा निजाम थाना सिकंदराबाद का रहने वाला है, जो कि मिस्त्री का काम करता था। इसकी मिस्त्री की दुकान सिकंदराबाद कस्बे में है।